नमस्कार जी, मैं हाँ चंद्र नागपाल, तो तुसी देख रहे हो चैनल न्यूज़ इंडिया टाइम जी। आप गल करते हाँ, अज का एक विशेष नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जे गल करिए इस नारे नू आज साक्षात किया है बेटी गुरलीन कौर ने, जिन्हां नाल हुणे तुहानू मिलवाउण जा रहे हैं। उन्होंने मेडिकल प्लस टू CBSE कोर्स विचों टॉप 5 पोजिशन दे विच अपना नाम दर्ज करवाया है। तो बड़ी खुशी हुंदी है इह जिहियां बेटियां नू मिलके, बड़ा माण हुंदा है, बड़ा फखर हुंदा है, जिन्होंने अपने शहर का नाम, अपने स्कूल जीसस पब्लिक स्कूल का नाम, तो उस तो इलावा अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। तो बहुत वड्डा हथ हुंदा है इहो जिहियां बच्चियां दे पिछे, पेरेंट्स का भी तो टीचर्स का भी। परंतु सब तो वड्डी गल है कि फखर इस गल का है कि मेहनत हर किसी की अपनी हुंदी है। बिना मेहनत तो ना पेरेंट्स ही कुछ कर सकते हैं, ना टीचर ही कुछ कर सकते हैं। सो अज लैके आए हैं असी तुहानू गुरलीन कौर दे घर, ते इंट्रोडक्शन करवाते हाँ, उन्होंने मुलाकात करवाते हाँ, उन्होंने पेरेंट्स नाल भी मिलवावांगे। तो अज एक वड्डी खुशी की गल होर भी है कि इन्हां लोकशाहित करन दे लई, लोगों नू जागरूक करन दे लई बहुत वड्डा फर्ज निभा रही है साडे शहर की एक सोसाइटी, जिसनों तुसी बाबा उत्तम सिंह सेवा सोसाइटी के नाम नाल जाणू हो। जिवें डॉक्टरों का सन्मान करना हो, पुलिस वालों का सन्मान करना होर भी जिथे कोई वधिया काम रहे होन उन्हां नू सन्मानित करना हो, गरीब बच्चों कापियां किताबां पेंसलां देनिया होन, या जिथे भी जरूरतमंदा नू राशन की जरूरत पवे उन्हां दी मदद करना, अजिहे कार्ज करना उन्हां दा मुख काम है। सो अज उन्हां ने इस बेटी नू सन्मानित किया, उन्हां वल्लों उन्हां नू सरोपा पा के सन्मानित भी किया गया, तो उसका मूँह भी मिठा करवाया गया, अते नाल ही परिवार के मैंबरां नू, यानी उसके मम्मी पापा नू, उसके छोटे भरा नू भी अज मूँह मिठा करवाया गया, तो वधाइयां दित्तियां गईयां। चलो आओ लै चलते हाँ तुहानू मिस गुरलीन कौर दे घर। हाँ जी, जिमें कि तुसी वेख्या गुरलीन कौर दे घर पहुँच चुके हाँ, तो मिस गुरलीन कौर नूं सन्मानित किया गया बाबा उत्तम सिंह सेवा सोसाइटी वालों। अते हुण असी गल करवाने हाँ तुहाडी मिस गुरलीन कौर नाल कि उन्होंने ये मुकाम किवें हासिल किया, इस तरक्की तक पहुँचने लई उसके पिछे किस किस का हाथ है। हाँ जी बेटा जी, तुहाडा शुभ नाम। मेरा नाम गुरलीन कौर है, तो मैं प्लस टू मैडिकल विच्चों 95.6 मार्क्स लए ने। तो मैं इहदा श्रेय देना चाहनी हाँ अपने प्रिंसीपल मैम नूं, जिन्हां ने सानू टाइम टू टाइम गाइडेंस दित्ती। साडे जिन्ने भी टीचर्स ने उन्होंने सानू इन्ने वधिया नोट्स प्रोवाइड किए कि असीं इन्ने वधिया नंबर लै सकीए। तो ओबवियसली मेरे पेरेंट्स जिन्हां ने मैनूं बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट नाल दी नाल दित्ती, एंड मैं शुक्रगुजार करदी हाँ गॉड दा जिन्हां ने मैनूं एग्जामीनेशन हॉल दे विच बैठन दी हिम्मत दित्ती। बेटा जी, जिमें कि मैं जानता हाँ तुहाडे मम्मा और पापा डॉक्टर्स ने, ठीक है जी, तो क्या वो पूरा टाइम कढ़ पाते सी तुहाडी पढ़ाई लई, या किवें टाइम कढ़दे सी? ते तुसी जिहड़ा अपने मापिआं नूं श्रेय दित्ता है बहुत वधिया गल है, मापे ही पहले टीचर हुंदे ने, पहले गुरु हुंदे ने साडे, ते ओ तुहानूं किवें टाइम कढ़दे रहे दोनों जॉब मतलब डॉक्टर ने? हाँ जी, मेरे मम्मा पापा दोवें डॉक्टर ने, पर उन्होंने अपने प्रोफेशन के नाल नाल मैनू भी उन्ना ही टाइम दिता, उन्होंने मैं टाइम टू टाइम गाइडेंस दी, उन्होंने सपोर्ट की वजह नाल ही अज मैं इन्ने वधिया नंबर लैके आई हाँ। तो दूजी गल, उन्होंने मैं हमेशा सपोर्ट किया कि तू अपने दम पर पढ़ तो सैल्फ स्टडी कर, तो मैं सैल्फ स्टडी करके ही मैं ये मुकाम हासिल किया है। वेरी नाइस। मतलब तुम ट्यूशन वगैरह नहीं ली कितों? नहीं, मैं कभी भी प्लस टू तक मैं कभी भी कोई कोचिंग नहीं ली, तो हमेशा मैं अपने बेस की पढ़ी हाँ ते स्कूल दे दम ते। सो बहुत वधिया गल है, असी कहिंदे आ कि ट्यूशनां लगाओ, पेरेंट्स ते वध तो वध बोझ पाउंदे आ, पर जे पेरेंट्स थोड़ा जिहा ख्याल करन तां मेरे ख्याल अच्छे मार्क्स बच्चे लै सकदे ने, वधिया मुकाम ते पहुँच सकदे ने। बेटा जी, एक क्वेश्चन मैं होर बहुत जरूरी समझदा कि तुहाडे दोनों मतलब मम्मी और पापा पेरेंट्स तुहाडे डॉक्टर्स ने, ते तुसी इसे लाइन 'च रहना पसंद करोगे या अगों तुहाडा की
मूड हैगा, की तुसी करना चाहते हो, की विचार है कि फ्यूचर वास्ते? हाँ जी, मैं अगे सिविल सर्विसेज जाना चाहनी हाँ जी, तो मैं ग्रेजुएशन करन तो बाद UPSC का एग्जाम क्लीयर करूँगी एंड मैं अपने पूरे देश विच सर्व करना चाहनी एज अ सिविल सर्वेंट, क्योंकि मेरा बचपन तो ही सुपना सी कि मैं सिविल सर्विसेज दे विच जावां। मेरे मम्मा, मेरे पापा मैनू ते मेरी पूरी फैमिली मैनू इस गल लई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो मैं मैडिकल फील्ड नहीं ऑप्ट करूँगी, मैं सिविल सर्विसेज जाना चाहनी हाँ। वेरी नाइस, क्योंकि कहिंदे ने जिथे चाह हुंदी है उत्थे राह हुंदी है, सो जे तुहाडे अज इरादे मजबूत ने तां तुहानू दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और परमात्मा भी तुहाडा साथ देवेगा, क्योंकि परमात्मा भी सिर्फ उन्हां दा साथ दिंदे हैं जो खुद अपनी मदद करना खुद जानते हैं। सो बहुत वड्डी गाइडलाइन हैगी तुहानू कि अपने आप ते सैल्फ डिपेंड होकर स्टडी करनी है। और गुरलीन जी, इस मौके ते मैं एक सवाल बहुत जरूरी समझदा कि जो अज के बच्चे ने वह ज़्यादातर नशियां वाल वध रहे ने, पढ़ाई तो भज्जन की कोशिश की जा रही है, सो तुसी उन्हां नूं की संदेश दोगे? मैं उन्होंने यही संदेश देना चाहनी हाँ कि जेडे नशे है सानू नशे तो दूर रहना चाहिए, तो अपन पूरी मेहनत के नाल हर काम करना चाहिए। तो मैं ये भी समझती जरूरी हाँ कि जेडे मुंडे ते कुड़ियां होंदे ने उन्हां विच अपन फर्क नहीं करना चाहिए। अपन पता है कि असं अज मॉडर्न सोसाइटी रह रहे हैं, पर फिर भी अज भी कई लोगों की सोच यह जी है कि वह अजे भी मुंडे ते कुड़ी फर्क करते हैं, तो मैं इस गल के बिल्कुल खिलाफ है। तो नशे के विरुद्ध भी मैं एक मुहिम शुरू करना चाहनी हाँ। सो जब मैं अपने UPSC का एग्जाम क्लीयर करूँगी एज अ सिविल सर्वेंट, मैं अपने देश ये बुराइयां नू दूर करने पूरा योगदान पाऊँगी। असी भी यही दुआ करांगे, अपने चैनल वालों भी तुहानू वधाई दिंदे हाँ, अते यही समझदे हाँ कि तुसी अपने इन्हां इरादियां ते मजबूत रहोगे, तो हर कदम तुहाडा परमात्मा साथ देंगे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहो, यही साड़ियां दुआवां ने। साडे चैनल वालों भी तुहानू लख लख वधाई होवे, खास करके तुहाडे पेरेंट्स नू जो मेरे नाल ही बैठे ने, इधर डॉक्टर साहब बैठे ने, उन्होंने मिसिज यानी गुरलीन कौर की मम्मी और नाल उन्हां दा ब्रदर जसकिरन सिंह बैठे हैगे, सो सारिया नू वधाइया दिंदे जी, एक बार मुड़ के फिर वधाइया। मनविंदर कौर, गुरलीन की मदर, मैं अज मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मेरी बच्ची ने इन्ने सोहने नंबर लैके और अपने दम पर विदाउट एनी मतलब एनी ट्यूशन या विदाउट एनी कोचिंग ये बच्ची ने 95.6% नंबर लैके अपना इस मुकाम हासिल किया है। तो अज बाबा उत्तम सिंह सेवा सोसायटी ने मतलब मेरी बच्ची अज सम्मानित किया, तो मैं बहुत ही फख्र महसूस हो रहा कि इस बच्ची ने मतलब अज साडा नाम है जिहड़ा समाज दे विच रोशन कर दिता हैगा। तो असी मैं सोसाइटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि जिन्हां ने मतलब मेरी बच्ची नूं सम्मानित किया, तो मेरी बच्ची का हौसला होर वधाया है। संत बाबा उत्तम सिंह सोसायटी अज गुरलीन कौर नूं असी मुबारकबाद दिंदा जिथे प्लस टू के पंजवें रैंक के आए हैं मैडिकल 95 पूरे डिस्ट्रिक्ट का साढ़े फतेहगढ़ साहब का बड़ा माण करिया, अपने परिवार का बड़ा माण करिया, ये परिवार बड़ी सेवा कर रहा क्योंकि सारा परिवार ये डॉक्टर है, तो असी बड़ी आस करते हैं कि अगे भी इस तरह गुरलीन कौर अगे भी फस्ट आवे, साढ़े डिस्ट्रिक्ट का नाम बधावे। संत बाबा उत्तम सिंह सेठ इन्होंने परिवार वालों असं इन्हों बधाई के पात्र दें। वाहे खालसा, वाहेगुरू जी फतेह जी।